अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सोहेब दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह वियॉन्ड के अंदर रेन को बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैंने एक नया ग्रुप बनाया है, डिजिटल कनेक्ट विद सोहेब। इस ग्रुप में लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं उसी वक्त ही छोटी सी वीडियो बनाकर उनको जवाब दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रोहान भाई ने सवाल किया था कि ये जो बैकग्राउंड के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सा लगा कर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो मैंने उसी वक्त उनको वीडियो बनाकर दिखा दिया कि इस तरह करते हैं। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो अब मैं एक नया सीन लेता हूँ, ऐड सीन, चूज सीन, यहाँ से मैं कोई भी एक रोड वाला सीन ले लेता हूँ या मैं स्ट्रीट वाला एक सीन ले लेता हूँ। स्ट्रीट वियॉन्ड का ये जो नया लेआउट है, इसके बारे में एक वीडियो बनाकर पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह इन्होंने नई चीज़ें ऐड की हैं, किस तरह हमने वाइट बोर्ड एनिमेशन कंटेम्प्रेरी वगैरह को हाइड करना है या देखना है, तो वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं ये एक सीन ले लेता हूँ रैंडमली। तो ये सीन ले लेता हूँ, इसमें मैं इसको पहले कोलैप्स और इस कर देता हूँ मैं डिलीट। ये खड़ा है बंदा, अब हमें चाहिए रेन। तो मैं जाता हूँ प्रॉप्स में जहाँ पर लिखता हूँ रेन। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन मैं ये वाला रेन सेलेक्ट करता हूँ। एक ये रेन है, एक ये रेन हेल है। जो हेल है इसमें ये जिसको आप कह सकते हैं ओले पड़ते हैं, ये उस तरह का है, इसको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेन चाहिए। तो अब मैं अगर वीडियो को प्ले करता हूं तो आप देखेंगे कि ये बारिश हो रही होगी, देखें इस तरह। तो अब बात ये है कि पीछे मौसम क्लियर लग रहा है, बादल नहीं है लेकिन बारिश भी हो रही है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि वो जो, क्योंकि जब बारिश होती है तो आमतौर पर बादल के साथ होती है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती। चलें अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से जा कर बादल भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एक तो हो गया ये तरीका। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये आपके लिए भी बहुत मुफीद टिप होगी। मैं सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ एक रूम। तो फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई रूम सेलेक्ट कर लेते हैं, चलें ये कर लेते हैं। ये एक रूम हो गया, ये मेरा बना हुआ पहले का सीन पड़ा है। इसमें कैमरा है तो मैं कैमरा रिमूव कर देता हूँ, रिमूव रिमूव, कैमरा रिमूव हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पीछे खिड़की हो जिसमें बारिश हो रही हो, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ रेन, मैं जाता हूँ प्रॉप्स में, यहाँ पर मैं कंटेम्प्रेरी को शो करता हूँ और अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ विंडो हैवी रेन या विंडो रेन। चले हैवी रेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं उठाकर, सॉरी इसको नहीं, कंट्रोल जी, इसको उठाकर इधर ले आता हूँ। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये पीछे ग्रीन दीवार है, उसके आगे बारिश हो रही है, लेकिन हमें ऐसा दिखाना है कि पीछे दीवार के, दीवार है, दीवार के बाहर बारिश हो रही है रूम के। तो उसके लिए हम आएंगे प्रॉप्स में, यहाँ पर हम कोई स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद चलो ये वाला ले लेते हैं, इसको हम इस पर रखते हैं ऐसे और शिफ्ट दबाकर इसको मैं इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ ऑर्डर और सेंड टू बैक। अब वो बैक साइड पे चला गया। अब मैं यहाँ पर जाके कलर में जाके कलर सेलेक्ट करता हूँ स्काई वाला कोई। अब देखें ये स्काई कलर हो गया। तो अगर आप वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो पीछे ऐसे लगेगा कि बाहर, अभी स्काई कलर थोड़ा लाइट है, मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा डार्क होना चाहिए ताकि वो वही बात के थोड़ा सा, जब बारिश होती है तो आमतौर पर थोड़े से बादल होते हैं साथ, तो तभी बारिश होती है। तो अब मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि वो पीछे ऐसा लगेगा पीछे खिड़की है, उसके पीछे बारिश हो रही है बाहर। तो ये आपके लिए एक मैं ट्रिक लाया था कि किस तरह एक तो हम नॉर्मल बारिश स्ट्रीट के अंदर, और नंबर टू कि किस तरह हम अंदर रूम के अंदर से दिखा सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। तो ये दो मेथड में आपके लिए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स भी मिल सकें।
इसके अलावा ये ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यहाँ से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दिस इज़ सोहेब दानिश साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।